जन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 to π/2, तो 0 से π/2 जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 to π/2 में हर समान है। तो अब देखें, यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, cos x cos 2x cos 3x tan 3x, तो tan x। तो अब हम देखते हैं ये फर्स्ट वाले को, तो fx = cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो -sin x हो जाएगा। और आपको ये मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर f'(x)= 0 हो जाएगा। तो ये जो फलन जो होगा ये हर समान हो जाएगा। और देखें, बिल्कुल यही सिस्टम cos 2x के लिए लगेगा, cos 3x के लिए लगेगा। तो ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन इनमें से कौन हर समान होगा, तो cos x cos 2x cos 3x हर समान होगा। और अगर हम फोर्थ के लिए देखें तो फोर्थ में f(x)= tan x हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा sec²x, और sec²x को हम लिख सकते हैं 1/cos²x। और देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो पॉजिटिव हो जाएगी तो f'(x) जो होगा >0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू, ये फंक्शन जो होगा ये वर्धमान हो जाएगा। तो याद रखे रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ये फलन जो होगा ये ह्रासमान होगा, और फोर्थ के लिए ये फलन जो होगा ये वर्धमान होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में fx = x^100 + sin x - 1 द्वारा प्रदत्त फलन f हर समान है। तो चले, अब इसके लिए हम लोगों को f'(x) फाइंड करना होगा। तो f'(x)= देखें, ये हो जाएगा आपका 100x^100 - 1 यानी 99 हो जाएगा। और फिर साइन का जो डिफरेंशियल होता है ये हो जाएगा cos x, और 1 का 0 हो जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किसके लिए हर समान होगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब फर्स्ट कंडीशन देखें, ये कंडीशन दिया हुआ है 0 to 1। तो 0 to 1 में देखें, 0 to 1 आप जरा यहाँ देखें, तो x की वैल्यू हम देखेंगे तो 0 to 1 हम रख देंगे। तो देखें, अगर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू हम रखें तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 1 जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो f'(x) जो होगा >0 होगा, यानी ये जो पहला आंसर की स्थिति में फलन जो होगा ये वर्धमान होगा, ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखा है, यहाँ पर फलन वर्धमान होगा। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन देखा जाए, तो सेकंड में जो दिया हुआ है यह अंतराल π/2 to π, तो π/2 to π ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट।
और सेकंड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू निगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर यक्स की वैल्यू जो है, अगर यक्स की कोई वैल्यू रखा जाए और उसका पावर 99 है, तो कुल मिला करके ये वैल्यू इसके कंपेरिजन कास एक्स के कंपेरिजन में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 100 है। तो अब जब 100 में से इसको माइनस करेंगे तो भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी यहाँ भी एफ डैश यक्स जो होगा वो 0 से अधिक होगा, ये भी वर्धमान होगा। और फिर यहाँ 0 to π/2 है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ भी वर्धमान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछ रहा था कि किस फलन किस अंतराल में ह्रासमान है, तो यहाँ देखें ये जो तीनों अंतराल हैं, तीनों अंतराल में फलन वर्धमान है। तो वर्धमान है इसका मतलब ह्रासमान किसी में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन डी है, विकल्प डी ही सही विकल्प है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में दिया हुआ है ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, यानी ए की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2, यहाँ पर अंतराल 1-2 है, यानी न्यूनतम अंतराल 1 है और अधिकतम अंतराल जो है 2 है। तो 1-2 में एफ एक्स इजक्ल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान होगा। तो चले देखें, अब इसके लिए हम एफ डैश यक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ डैश यक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस ए हो जाएगी। और देखें आपसे ए की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब अगर ये वर्धमान होगा तो एफ डैश यक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखें एफ डैश यक्स की वैल्यू 2x, अब ग्रेटर देन आर इक्वल दोनों होता है, तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप देखिए अंतराल है 1-2, तो न्यूनतम कहा जा रहा है, तो जब न्यूनतम कहा जा रहा है तो यक्स के जगह पे इसकी न्यूनतम वैल्यू रख देंगे, यानी यक्स के जगह पे 1 रख देंगे। तो 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x के जगह पे 1 और प्लस ए, बल्कि यहाँ इक्वल करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ए इजकल टू 0, यानी ए इजकल टू -2 हो जाएगा। तो आपसे ए का न्यूनतम मान पूछा जा रहा था, ए का न्यूनतम मान हमने निकाल लिया और ये निकला है -2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। मान लीजिए ये क्लोज्ड इंटरवल -1-1 से असंयुक्त एक अंतराल आई हो, जरा समझिए, असंयुक्त, संयुक्त नहीं कर रहा है, असंयुक्त। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर यक्स की हमें जो भी वैल्यू लेनी है या तो -1 से कम लेनी है या 1 से अधिक लेनी है, असंयुक्त अंतराल में यही होगा। तो सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स इजकल टू यक्स प्लस 1 अपान यक्स से प्रदत्त फलन यफ एक वर्धमान है, वर्धमान फलन हमको दिखाना है। तो चलिए यहाँ पर हम एफ डैश यक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो बल्कि इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यक्स प्लस यक्स इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम अवकलन निकालें तो एक्स का अवकलन होता है 1 और एक्स इनवर्स का हो जाएगा -1/x². अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यक्स की जो वैल्यू होगी या तो -1 से कम होगी या 1 से अधिक होगी। तो अगर -1 से कम हम यक्स की वैल्यू -2 ले लेते हैं, -1 से कम -2 होता है, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, एफ डैश यक्स इज इक्वल टू 1-1/-2 का स्क्वायर, यानी एफ डैश यक्स इज इक्वल टू 1-1/-2 का स्क्वायर 1/4, और सॉल्व करेंगे तो 4-1 ये हो जाएगा 3/4।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव आ रही है, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि फलन वर्धमान है। तो माइनस असंयुक्त है, तो असंयुक्त का मतलब यही हुआ कि माइनस वन से कम, तो माइनस वन से कम ले लिए। अब एक वन से अधिक मान लें, तो वन से अधिक मान हम ले सकते हैं टू, तो फिर उसको लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स इजकल टू वन माइनस वन अपान यहाँ भी टू का स्क्वायर फोर, यानी ये भी हो जाएगा थ्री बाई फोर। तो इस प्रकार ये भी वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव मिलेगी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ आप अपने माइंड में रख लीजिए कि अगर यक्स का मान माइनस वन से कम है तो, या वन से अधिक है तो, दोनों केस में यफ डैश यक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से अधिक आ रही है। तो इसलिए जो है ये फलन जो है वर्धमान होगा, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे, और देखिए 17 में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स इक्वल टू लॉग मॉड कॉस एक्स, तो मॉड हम नहीं रखे हैं, और ये आपको सिद्ध करना है कि 0 टू पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्धमान होगा, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट है 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमको दिखाना है कि यह ह्रासमान होगा। तो चलिए हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो लॉग कॉस का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और फिर कॉस का डिफरेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा टैन एक्स। तो अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो जब 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी एफ डैश एक्स जो होगा यह लेस देन जीरो हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब लेस देन जीरो हो जाएगा तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगी आपकी, अब इसके बाद देखें तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करने पर नेगेटिव आएगा, यानी ह्रासमान हो जाएगा। और अगर हम देखें तो ये 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन जो होता है ये हो जाता है आपका नेगेटिव। तो जब टैन नेगेटिव हो जाएगा तो एफ डैश एक्स यहाँ माइनस पहले से ही है, और फिर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी ये वैल्यू जो होगी कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव हो जाएगी यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये फलन से होगा वर्धमान हो जाएगा। तो ये स्थिति होगी, पहली स्थिति में फलन जो होगा ह्रासमान होगा, और दूसरी स्थिति में फलन जो होगा ये वर्धमान होगा। तो अब इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार हुए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।